As a new twist that has taken place. Meanwhile, Manoj Sonkar of the Bharatiya Janata Party has resigned as the Chandigarh mayor. This comes ahead of the Supreme Court's hearing of a plea alleging irregularities in the recently held mayoral polls. This followed the resignations of three Aam Aadmi Party councillors, Poonam Devi, Neha Musawat and Gurcharan Kala in Chandigarh, who had gone incommunicado 3 days ago. They have joined the Bharatiya Janata Party now, citing unhappiness with the Aam Aadmi Party. This has come after the Congress and the Aam Aadmi Party had accused the presiding officer for the mayoral polls, Anil Masi, of defacing ballot papers. A video, of course, that you can see on our screens towards the left of Masi purportedly tampering with 8 votes during the counting process on January 30th, had gone viral on several social media platforms, and the top court took a stern view of the same. Meanwhile, let's take a look at what exactly the Chandigarh BJP president has to say on this matter. हमने कल दोपहर को अपना इस्तीफा दे दिया था, जैसा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का प्रोपेगेंडा आपने देख लिया है, सारे हिंदुस्तान में वो एक दूसरे को गालियां निकाल रहे हैं और चंडीगढ़ में गठबंधन कर रहे हैं, तो ये कांग्रेस के पवन बंसल जी की अपनी जो तृष्णा है उनकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने की, उस तृष्णा को आगे रख के उन्होंने पूरी कांग्रेस पार्टी के वर्कर को एक ऐसे झमेले में डाल दिया भी वो चाहते नहीं थे कांग्रेस के वर्कर कि आपका मेयर बने, और इसी वजह से उन्होंने क्रॉस वोटिंग की। तो ये आप गठबंधन और कांग्रेस वाले जो सिटी में पिछले एक महीने से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उसको विराम देने के लिए हमने इस्तीफा दे दिया। मोदी की नीतियों को देखते हुए अभी कुछ कांग्रेस के और वर्कर और पार्षद और आम आदमी के भी वर्कर और पार्षद भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करेंगे। Alright, there of course the first public statement by the Bharatiya Janata Party after the resignation of the incumbent mayor. My colleague Sahil Rukhaya joins us on the broadcast. Sahil, what further updates can you give our viewers regarding the escalating war of words? बिल्कुल, जिस तरीके से देर रात को चंडीगढ़ के जो नवनियुक्त मेयर थे मनोज सोनकर, उनकी ओर से अपने पद से इस्तीफा दे दिया गया, तो इस मामले की पुष्टि जो है भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अरुण सूद ने जो है वो रात को की थी, क्योंकि आज जो है इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। तो वहीं आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद जो है रात को ही दिल्ली पहुंचकर उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली थी, और जो भाजपा के महासचिव विनोद तावड़े हैं उन्होंने भाजपा का पटका पहनाकर बीजेपी के माफ कीजिएगा आम आदमी पार्टी के 3 पार्षदों को बीजेपी के अंदर ज्वाइन करवाया था, जिसमें पूनम देवी, नेहा और गुरुचरण जीत सिंह काला जो है उनको बीजेपी की सदस्यता दिलवाई है। आज यानी कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी है, तो बीजेपी जो है इस मामले में जो बीजेपी के एडवोकेट है उनकी ओर से आज जो है ये भी दर्शाया जाएगा कि हमारे मेयर ने इस्तीफा दे दिया, तो इसलिए चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं दोबारा करवाया जाए। तो ऐसे में चंडीगढ़ मेयर चुनाव दोबारा होते हैं, तो ऐसे में अब बीजेपी के पास कहीं ना कहीं मेजोरिटी जो है वो आ चुकी है, क्योंकि पहले मेजोरिटी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पास थी। आम आदमी पार्टी के 13 पार्षद और कांग्रेस के 7 पार्षद, यानी कि कुल आंकड़ा 20 का बनता है। अब ऐसे में 3 पार्षद जो हैं वो बीजेपी के पाले में आ गए हैं, तो बीजेपी के पास जो है पहले 14 पार्षद थे, अब 3 पार्षद आने के बाद 17, एक पार्षद जो है अकाली दल का है, तो ऐसे में 18 की मेजोरिटी कहीं ना कहीं बीजेपी के पास हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं अब गेंद जो है वो बीजेपी के पाले में जा चुकी है। तो सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली सुनवाई में इंडिया गठबंधन के मेयर पद के उम्मीदवार कुलदीप टिटा की तरफ से याचिका दायर की गई थी। गठबंधन ने बीजेपी पर आरोप लगाया था कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में चुनाव अधिकारी अनिल मसीह ने वोटों की गिनती में धांधली की है, जिसमें बीजेपी ने धोखे से मेयर बनाया। तो ऐसे में मामला जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, सुप्रीम कोर्ट की ओर से काफी सख्त टिप्पणी की गई थी। उसके बाद जो है 3 पार्षद 2 दिन से
चंडीगढ़ से गायब थे, उन्होंने कल देर रात विनोद तावड़े की अध्यक्षता में बीजेपी ज्वाइन कर लिया। तो ऐसे में अब दोबारा से चंडीगढ़ मेयर चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं हो सकता है। अब गेंद कहीं ना कहीं बीजेपी के पाले में, मेजोरिटी बीजेपी के पाले में। देखने वाली बात ये होगी कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या सुनवाई होती है, क्या सुप्रीम कोर्ट नए सिरे से चुनाव करवाने की बात कहती है। अगर नए सिरे से चुनाव दोबारा होते हैं तो कहीं ना कहीं अब ये कुर्सी जो है सीधे तौर पर बीजेपी के खाते में आती दिखाई दे रही है। अब तो पूरी तरह से मेजोरिटी जो है वो बीजेपी के पास है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.